नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो एल्विश यादव और मैक्स टर्न का जो भी फाइट हुआ वो तो आपको पता ही है, लेकिन उस फाइट का क्या मुद्दा था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। आपको सबसे पहले जो करना है, यस आप लोग तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार जरूर चाहिए, तो प्लीज मेरे फैमिली के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं एल्विश यादव, जो कि हमारा यूथ सुपरस्टार है एंड यूथ को काफी आगे लेके जाने के लिए वादा करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। सो गाइज, इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ चीज, ऐसे कुछ बात के ऊपर बात करूंगी, वो हो सकता है कि आपके लिए नेगेटिव लगे, आपको सुनकर अच्छा ना लगे, आप हो सकते हो कि एल्विश का फैन हो या मैक्स टर्न का फैन हो, जो भी हो, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, पीओवी जो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है हम लोगों का अलग अलग हो सकता है, विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैं जिस वे में सोचूंगी आप भी उसी वे में सोचो, उसी डायरेक्शन पे सोचो, पॉसिबल नहीं है अंडर एनी कॉस्ट, राइट। मेरा देखने का नजरिया एक होगा, आपका देखने का नजरिया दूसरा होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगी, कोई भी अगर बात कर रहे हो, कोई भी चीज बोल रहे हो, प्लीज थोड़ा मैनर, थोड़ा यू नो लैंग्वेज को संभालते हुए बात करना, इट्स एन रिक्वेस्ट, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो अपना लिमिटेशन भूल जाते हैं, गाली गलौज करना, यू नो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, तू तड़ाके से बात करना अच्छा नहीं लगता। अगेन मैं पहले भी बोली हूँ, ये मेरे लिए कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, इम्पैक्ट करेगा आपके लिए, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, आप भी मुझे पर्सनली उतना नहीं जानते, लेकिन क्या होता है ना, आप जब कमेंट करोगे, अगर ऐसा कोई अब्यूसिव लैंग्वेज करोगे, मेरे दिमाग में रहेगा कि इस नाम का बंदा ये बोला था, आपको हो सकता है कि दूसरे दिन आपको याद भी ना रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो चीज आपको आगे जाकर इम्पैक्ट करे, और ये चीज गलत भी है, आपको नॉट ओनली मी, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, कोई बात नहीं, कमेंट पे शेयर कीजिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, क्यों मेरे बात गलत है, जरूर बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज गाली गलौज करना या नो कोई भी कमेंट पे तू तड़ाका करना किसी का भी कंटेंट पे नहीं करना चाहिए, इतना मैं मानती हूँ, तो प्लीज वो चीज संभाल कर बात कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो चलिए बात करते हैं एल्विश यादव, जो कि यूथ आइकन आप बोल सकते हो। देखिए प्रीवियसली एल्विश यादव का एक वायरल वीडियो आया था जो आपको पता होगा, जहां पर जयपुर पे एक इंसिडेंट हुआ था, जयपुर के एक रेस्टोरेंट पे, जहां पर नो क्लेम किया गया था, पहले तो वो जो वायरल वीडियो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, कि एल्विश बाहर आ रहे थे, पीछे से उनको कोई कुछ बोला, वो गया एक थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन देते हुए एल्विश ने कहा कि वो बंदा जो थे वो रेस्टोरेंट पे, उसने कुछ नहीं किया था, एल्विश के अकॉर्डिंग एल्विश कुछ नहीं किया था, लेकिन वो बंदे ने उसको माँ को लेकर माँ के नाम पे गाली दिया था, जिसकी वजह से उसने हाथ उठाया था उस बंदे को। ठीक है, आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे एंड अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे या देखे भी होंगे, आप सर्च करके भी देख सकते हो वीडियोस पे, मैंने उस टाइम पे कहा था अगर कोई भी इंसान अगर अपने माँ के नाम पे या बाप के नाम पे गाली गलौज ऐसे नहीं सुनने वाला, उसके जगह मतलब एल्विश के जगह कोई भी होता, अगर अपने माँ के नाम पर ऐसा कुछ सुनता कि कोई ऐसे ही रैंडम सा बंदा बिना कुछ नो झमेला झगड़ा के ऐसे माँ के नाम पे गाली दे दे, कोई भी जाकर उसको थप्पड़ लगाता, जो कि नॉर्मल है, लेकिन एक इंसिडेंट पे एक जन गलत है समझ गए, लेकिन बार 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 अगर वो चीज हो रहा है और आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि मेरे घर पे गाली दिया गया, मेरे घर पे बोला गया, मेरी मम्मी को बोला गया, इसलिए मैंने मारपीट किया, तो मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। मैक्सटर्न वाला अगर आपने वीडियो देखा है जरूर से ये चीज कमेंट कर बताना, मेरे पास भी वो वीडियो है, लेकिन मैं अपलोड इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, एकदम न्यू चैनल है, फालतू में कॉपीराइट आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि डेफिनेटली मेहनत लगता है, तो इसलिए मैं अभी तक वो अपलोड नहीं किया, एंड वो आई थिंक सबने देख लिया होगा, वायरल बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे पेजेस वो चीज जो है अपलोड कर दिया है। फिर भी अगर आप मेरे बात से सहमत नहीं है, आपको लगता है कि वो वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को या मुझे मेरे बात को आप समझ सको, उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सुपर्णा गांगुली 7, डीएम कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी वो वीडियो।
एंड आप लोग नॉर्मली आप सर्च करो, गूगल करो या फिर यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च करो एल्विश यादव मास्टर्न फाइट तो आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो में जो लोग नहीं देखा है बेसिकली था क्या, सबसे पहले मैं वीडियो के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले गाइज रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं नहीं चाहते आप लोगों का टाइम वेस्ट करना, लेकिन इतना कुछ है मुझे सारे डिटेल्स को शेयर करने के लिए। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप जिसको अपना यूथ आइकॉन मान रहे हो, आप जिसको फॉलो करके आगे मोटिवेट होकर जाना चाहते हो, क्या वो सही है, वो इंसान का जो पथ है क्या वो सही है, वो जानने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी पूरा वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही कमेंट दीजिएगा। ये वीडियो पूरा देखना पूरा समझना डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि जब मैंने देखा कि एल्विश के प्रोफाइल पे बहुत लोग कमेंट किया है, बहुत मिक्स रिएक्शन है एंड बहुत लोग जो है इसके ऊपर, इस बार जो है एल्विश का सपोर्ट हो गया है ऑलमोस्ट जीरो, कुछ लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट जो भी हो आपको क्या सपोर्ट करना चाहिए या आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपको पूरा डिटेल्स देखने के बाद लग रहा है कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे समझाइए, आई एम रेडी टू टेक द फीडबैक, मैं जानना चाहूंगी, तो कमेंट पे बताइएगा। तो बेसिकली मैं पूरा जीस बताती हूँ क्या हुआ था। अगर मैं वीडियो को बात करूँ तो सबसे पहले वो एक छोटा सा जो होता है ना गोडाउन टाइप का क्लॉथिंग का, मैक्सटन जो वहां पर बैठा था, उसी टाइम पे एल्विश जो है एंट्री किया। एल्विश अकेला नहीं था, चार पांच बंदी के साथ एंट्री किया और आकर ही वो एल्विश भाई बोलकर कुछ बोलना चाह रहा था, वो मारना पीटना शुरू किया। एंड गाइस ऐसा लग रहा था ना मैं क्राइम पेट्रोल का कुछ एपिसोड देख रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि लोग जाकर चढ़ जाते हैं, मार पीट करते हैं, एंड ऐसा लग रहा था कि मैं क्राइम पेट्रोल उसको मार ही देगा, सच में बोल रही हूँ। इसीलिए मैंने बोला अगर वीडियो नहीं देखा है ना थोड़ा सर्च करो, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, जरूर देखना। मैंने फॉर अ सेकंड मैंने सोचा कि भाई मार देगा इसको। देखिए मारना पीटना क्या इतना इजी हो गया है अभी इंडिया में कि कोई भी किसी को आकर मार देगा, कोई भी किसी के ऊपर हाथ उठा देगा, इसके ऊपर आपको क्या कहना है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोलूंगी, अभी तक आई एम द पर्सन, मैंने जब से उसको ओटीटी पे देखा था, ओटीटी के बाद ना उसका एक पूरा डिफरेंट पर्सनैलिटी आया है एंड उसके ऊपर एक टैग है छपरी। मैं सच में बोल रही हूँ, अभी जो लग रहा है ना कि शायद लोग सही है, मैं गलत आदमी को सपोर्ट कर रही थी, एंड ये रियलिटी है कि इंडिया में क्या हो रहा है। आप अपने बच्चों छोटे लोगों को, मतलब अगर वो 25 का है उसका जो उनका जो फॉलोअर्स है, एल्विश का जो फॉलोअर्स है, उनको क्या सिखा रहा है, क्या मैसेज दे रहा है इस हरकत से। क्या आप सुपरस्टार हो, मतलब सुपरस्टार इन द सेंस कि आपके पास बल है, आपका पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो आप किसी को जाकर मार सकते हो? आई रियली डोंट थिंक सो। किसी के ऊपर हाथ उठाने का हिम्मत या किसी के ऊपर हाथ आप नहीं उठा सकते हो। अगर वो इतना गंदा है बंदा, अगर वो इतना गलत किया है वो बंदा, पुलिस केस क्यों नहीं किया, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। अगर एल्विश का बात माने तो ये जो मारपीट का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, एंड गुड पार्ट इस बार एल्विश को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत लोग कमेंट किया है कि छपरी है, वो छपरी है, छपरी वाला हरकत है, गुंडा है, बदमाश है, इस लोगों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, इन लोगों को बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, तो अगर ऐसे लोगों को इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगा, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, इतना ज्यादा सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए एल्विश यादव जब अभी तक उस खुद को जस्टिफाई कर रही है, ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने एक वीडियो दिया है, उसमें बोला है कि वही कि उसको बहुत दिन से टारगेट कर रहे थे मैक्सटन, उसके बारे में बहुत कुछ पोस्ट किया था, बहुत कुछ बोला जा रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी वजह से वो आउटकम हुआ लास्ट में जाकर वो चीज किया गया। अगेन द सेम थिंग, अगर वो बंदा इतना गलत है, आपके बारे में इतना कुछ बोल रहा है, तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? पुलिस कंप्लेन करना चाहिए ना, हमारा लॉ किस लिए है? आप दिल्ली जैसे जगह पे रहते हो, दिल्ली पे पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुंबई दिल्ली सब जगह में, इवन हर जगह पे पुलिस बहुत स्ट्रांग है, और एल्विश यादव तो एक आइकन है, लोग फॉलो करते, इतना बड़ा फॉलोअर्स है, डेफिनेटली पुलिस का सपोर्ट बहुत मिल जाता, तो आप जाकर क्यों गुंडागर्दी कर रहे थे? आपको नहीं करना चाहिए था, है ना? तो इसके ऊपर डेफिनेटली अभी जो है लोग बहुत ज्यादा चेंज हुआ है,
क्योंकि लास्ट बार जब जयपुर वाला इंसिडेंट हुआ था वहां पर एल्विश को सपोर्ट मिला था, बोला गया था, एल्विश के लिए लोग बोल रहे थे कि एल्विश की जगह कोई भी होता मारता, क्योंकि ऐसा अननेसेसरी कोई भी गाली नहीं दे सकता अपने माँ बाप को और सुन नहीं सकता अपने माँ बाप के बारे में, तो मार देता। लेकिन अभी लोग बोल रहे कि एंड उस टाइम पे लोग बोले भी थे, कुछ लोग बोले थे कि छपरी है वंस अ छपरी ऑलवेज अ छपरी। एंड उस टाइम पे मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि अगर माँ बाप के बारे में बोलेंगे तो ये छपरी का बात नहीं है, कोई भी रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वो चीज रिपीट होगा तो आपका गुंडागर्दी वो प्रूफ होता है। तो फॉर अ फर्स्ट टाइम मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ अल्विश को, क्योंकि अल्विश का जो बातचीत है उसके साथ मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभी जो कर रहा है बहुत गंदा है। मैक्स टर्न कौन है मैं उसको जानती तक नहीं, मैं एल्विश को जानती थी, एल्विश को सपोर्ट करती थी। लेकिन अगर अभी आप जो लोग बोल रहे थे ना कि छपरी हो गुंडा हो, वही चीज आप प्रूफ कर रहे हो, इससे आप सही नहीं दिख रहे हो। अगर ऑपोजिट इंसान, चलो मान लिया फॉर अ सेकंड कि वो ऑपोजिट मैक्स टर्न गलत था, तो लेकिन आपने जो किया वो और भी ज्यादा गलत है, मुझे तो यही लगता है। एंड सेकेंडली क्या होता है ना कि हाथ उठाना, मैं कभी भी उस एग्रेशन को मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते। बिग बॉस पे जो था, जो लोग देखे थे OTT2, उन लोगों को पता होगा एल्विश एक बहुत काम सा इंसिडेंट एक पर्सन दिखाया था अपने आप को, झगड़ा उतना नहीं करता था, विटी आंसर देता था, वन लाइनर था, कभी भी एग्रेशन कुछ नहीं था। बाहर आकर फेम मिलते ही क्या लोग चेंज हो जाता है। आप एक यूथ आइकन हो, लोग आपको फॉलो करते, लोग आपसे इतना ज्यादा प्यार करते, छोटे छोटे बच्चे जो टीनेजर है 18, 20, 23 एज के है, वो लोग आपसे सीख कर इंस्पायर होना चाहिए। लेकिन वो लोग तो ऐसे गुंडा बन जाएंगे फिर, है ना, मारपीट पे आ जाएंगे, कुछ भी होगा तुम ही ना माँ पे बोल ठश तुम मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके बाद एल्विश ने ये भी एक वीडियो दिया था जिसमें इंस्टाग्राम पे बोला है कि मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है ये वो। तो आपको लोग सपोर्ट कैसे करें, अगर आप सही हो तो लोग सपोर्ट करते हैं। सही कैसे हो, सही होते अगर आप पुलिस के पास जाते, लॉ का सपोर्ट लेते, क्योंकि आपको वैसे ही जो क्या बोलते पॉलिटिकल सपोर्ट है एल्विश के पास, तो अगर लॉ पे जाते पुलिस का सपोर्ट लेते तो लोगों का सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि आप जेन्युइन हो। यहाँ पर आप जाकर गुंडागर्दी करते, 10-15 जन लेकर उसके ऊपर अटैक करते हो, दिस इज नॉट गुड। एंड इसमें मैं लास्टली एक बात बोलना चाहूंगी, कुछ लोग जो एल्विश का सपोर्टर है ये बोल रहे हैं कि वीडियो कैसे बना लिया, अगर वो सच में विक्टिम है तो उसको पता था कि वो मारेगा इसलिए वीडियो बना रखा। अरे भाई एक बात सोचो ना, सपोज आप उस मैक्स टर्न की जगह खुद को रखो, मुझे पता है कि एल्विश मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैं छुप कर बैठा था एक गोडाउन में, तो सबसे पहले तो मैं कैम ऑन करके रखूंगी ना जब मुझे पता लगेगा कि एल्विश आ रहा है, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूं, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि मेरे ऊपर कैसे टॉर्चर हुआ। अगर मैक्स टर्न के पास वो वीडियो नहीं रहता, अभी जो एल्विश का फॉलोअर्स है, जो लोग एल्विश के लिए बोल रहा है कि एल्विश गलत है, वो लोग भी फिर भी बोलते कि मैक्स टर्न ही गलत है इतना मार खाने के बाद, इतना गलत होने के बाद। आई एम नॉट सेइंग कि मैक्स टर्न गलत नहीं, हो सकता है कि मैक्स टर्न बहुत कुछ गलत बोला एल्विश के बारे में, बहुत गलत था एक्स वाई ज़ेड। हाथ उठाना मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। आपको अगर प्रॉब्लम है, लॉ है, पुलिस है, उसके ऊपर जाओ। अगर आप एक यूथ आइकन हो, डेफिनेटली पुलिस तो ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, आपके इतना फॉलोअर्स है, इतना लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आपको पुलिस सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑनलाइन आओ, सबको बोलो ये बोला गया, प्रूफ दिखाओ, लोगों का सपोर्ट मिल जाता, सब कुछ सही हो जाता। अभी मुझे लगता है कि एल्विश बहुत ज्यादा गलत है। वो फेम एक ऐसा चीज है ना भाई, एक बार अगर लत लग गया फेम, एक मैंने कोटेशन देखा किसी का, बहुत अच्छा कोटेशन था, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, जो उसको ऐसा चुटकी मिलते ही मिल जाता है ना, वो लोग उसकी अहमियत नहीं जानते। और एल्विश यादव को सब कुछ मिल गया ऐसे चुटकी मार के, जिसकी वजह से हो सकता है ये रिएक्शन है। लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मुझे सच में बोलो बहुत अच्छा लगता था एल्विश, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ऑपोजिट साइड पे ना कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहती। वही देखो मल्हान बदस है, ट्रिगर इंसान जो कि है निश्चय, उसको मोदी सर से मिला है अवार्ड। क्यों मिला है? गेमर की वजह से। कितना अच्छा वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत वेल मैनर्ड है, प्यार से बात करता है, कोई नेगेटिविटी मैं नहीं देखती उतना, थोड़ा बहुत तो कोई भी बोलता है ना। आप अगर उसके फैन हो आप उसका बात अच्छा लगेगा आपको, अगर आप उनका फैन नहीं हो आप उनका बात को गलत ही बोलोगे तो वो अलग बात है। लेकिन वो कभी भी गलत बात बोलना, गलत वे में बोलना, रूडली बोलना आज तक नहीं देखा। और निश्चय का तो बात ही कुछ और है, इतना प्यारा बंदा, इतना वेल मैनर्ड, इतना अच्छे से
यू नो इनके बारे में, परवरिश के बारे में पूजा भट्ट मैम ने कहा था, मतलब मैं सोच सकती हूँ मतलब अभिषेक का परवरिश सच में कितना अच्छा है, लेकिन पूजा भट्ट मैम ने ये कहा था परवरिश के बारे में ओटीटी पे, आपको पता होगा। जो भी हो, एल्विश यादव और मैक्सटन के इस फाइट जो हुआ है इस इंसिडेंट पे, आप कर रहे हो किसका सपोर्ट, एल्विश यादव का या मैक्सटन का, जरूर कमेंट करके बताना। एंड रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करो, ये मिडिल क्लास फैमिली है, लोकल एरिया है, तो कुत्ते का आवाज शायद आ गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इधर, सो इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बट रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, इट्स एन रिक्वेस्ट प्लीज। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।